गाजियाबाद के कविनगर इलाके की पंचशील सोसाइटी के लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं। सैकड़ों लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिए हैं कि वह अपना मकान बेचना चाहते हैं। कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया। हर व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से सोसाइटी में फ्लैट लेता है, जिससे उन्हें सुरक्षा मुहैया उपलब्ध हो सके। अब 50 गार्ड वाली सोसाइटी में 15 दिन के अंदर एक के बाद एक चोरी होने पर फ्लैट ऑनर्स ने मोर्चा खोल दिया है। सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन कर फ्लैट बेचने के लिए बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। सुरक्षा न दे पाने को लेकर लोगों ने पुलिस और बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरा नाम सुवर्णा त्रिपाठी है। हम लोग पंची सोसाइटी में रहते हैं। ये अनाज मंडी के बिल्कुल सामने है, हापुर रोड पे है। मामला ये है कि यहाँ अभी 15-20 दिन में 3-4 चोरियाँ हो चुकी हैं। और मतलब हम लोग अपने इतना डर गए हैं कि अपने छोटे बच्चों को कभी किसी काम से निकलना पड़े तो बड़ा डर के, बड़े समझा के बच्चों को जाना पड़ता है। कोई अनजान आदमी आए तो बिल्कुल खोलना नहीं। कोई आंटी भी आती हैं आपकी जानकार की, तो आप उन्हें अंदर एंट्री मत करिए, बाहर से बता दीजिए मम्मी नहीं है। मतलब इतना डर गए हैं कि मतलब जाने में भी दिमाग सारा घर में ही लगा रहता है। कोई काम ढंग से, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस वाले सुनते नहीं है। एक दो सोचने वाली बात है कि आप एक हाई फाइल सोसाइटी में रहते हैं, प्लस ऊपर से सिक्योरिटी इतनी हाई है, क्या कहना चाहेंगे? तभी तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। हम तो कह रहे हैं आप मेंटेनेंस देना बंद कर दो हमारा, हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप कर लेंगे। यही ऑप्शन रखा था, लेकिन ये वो तैयार नहीं होंगे उसके लिए। सिक्योरिटी का क्या कहना है? सिक्योरिटी का कहना है हमने बढ़ा दिए आदमी, लेकिन एक दो दिन चलता है काम, ये चेकिंग होती है, फिर वही वापस वही धरे पे आ जाते हैं। किसी की भी बिना स्टिकर की गाड़ियाँ अंदर आने लगती हैं। ये लोग दबाव बना रहा है बिल्डर उनके ऊपर कि किसी तरह भी प्रोटेस्ट खत्म हो। कुछ लोग हैं यहाँ बिल्डर के जो आगे प्रोटेस्ट बढ़ने नहीं देते हैं यहाँ पे। और RW के लिए हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, RW बनने नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ कहीं कमी निकाल के इस चीज़ को दबा दिया जाता है।